हम सब जानते हैं कि भारत की सेना दुनिया की एक अद्वितीय सेना है जिसने सदैव अपनी ताकत, अपने अनुशासन और तकनीकी क्षमता का लोहा न केवल दुश्मनों को मनवाया है अपितु देश के अंदर भी सम और विषम दोनों स्थितियों में एक सकारात्मक भूमिका के साथ कार्य करते हुए अपना उत्कृष्टतम प्रदर्शन और सहयोग सदैव दिया है। यह भव्य समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एकीकृत कमांड जिसमें थल, नभ और जल तीनों प्रकार की सेनाओं के एकीकृत समन्वय से कैसे हम आसानी से दुश्मन को परास्त कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसकी एक झांकी भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। मैंने इस समारोह में नई पीढ़ी के उन्नत सैन्य उपकरणों का हम लोगों ने प्रदर्शन देखा है। हमारी सुदृढ़ होती हुई रक्षा शक्ति को भी हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने प्रदर्शित होते हुए देखा है। पैरा कमांडो का शौर्य पूर्ण कार्रवाई, सेना के प्रशिक्षित श्वान दस्ते का अद्वितीय प्रदर्शन और घुड़सवार दल का भी उत्कृष्ट ट्रेनिंग हम लोगों ने जहां यहां देखा है, वहीं आधुनिकता कॉम्बैट ड्रोन और स्वार्म ड्रोन की ताकत यह आज हमारी सेना को दुनिया की एक पेशेवर दक्षता का प्रतीक बनाती है। इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं द्वारा ज्वाइंट मैनशिप और इंटीग्रेशन के माध्यम से जो बेहतरीन तालमेल का समन्वय प्रस्तुत किया गया है, वह हमारी सैन्य बलों की बढ़ती हुई सैन्य ताकत के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे के प्रति 140 करोड़ भारतवासी को आश्वस्त भी करती है। थल सेना, वायु सेना और नौसेना के एकजुट होकर कार्य करने का यह परिणाम है कि आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और हम हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे सशस्त्र बल केवल एक रक्षा ढांचा मात्र नहीं, बल्कि यह हमारी राष्ट्र की सुरक्षा की एक मजबूत नींव भी है। हमारे वीर जवान अपने जान की परवाह के बगैर देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। वे इसीलिए राष्ट्र नायक के रूप में आम जनमानस के मन में सम्मान प्राप्त करते हैं। हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसे सक्षम और समर्पित सेना है जो देश की सुरक्षा हर स्थिति में करने में सक्षम है।